जय श्री राम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमो अरिहंतानं नमो सिद्धानं नमो आयुधियानं नमो वज्रायानं नमो लोये सबसाहुनं शब सिद्धि धूम चल मनोभवम गईं पते गोच्छामि समय पाहु मृणवाषध के विलीवनिधन नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते शिशुभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिरे समय सार जी परमागम में हमने 14 नंबर की गाथा शिविर के दौरान ली है। उसकी पुष्टि करने के लिए हमने 4 अभाव की चर्चा भी की है। 4 अभाव के द्वारा पुष्ट होने के बाद अब हम फल की चर्चा करेंगे। मुझे 1 मिनट थोड़ी सी तकलीफ है, इन सीटों के पीछे बहुत जगह बाकी है, लोगों को दिक्कत आती है, कृपया करके सीट उठा करके थोड़े पीछे हो जाएंगे। इधर से भी तो काफ़ी जगह मिलेगी, काफ़ी लोग बाहर खड़े हैं, इधर बहने भी पीछे बिल्कुल चले जाएं और आगे की जगह छोड़िए, इसको खाली नहीं रखें, इधर थोड़े और आगे आ जाएं, जल्दी कर लीजिए ताकि प्रवचन प्रारंभ हो जाए, जगह बिल्कुल ना छोड़ें। बहने अपनी सीट को लेकर पीछे हो जाएं, यहाँ भी बहने थोड़ा पीछे हो जाएं, सीट वाली सारी बहने पीछे हों। देखो बहुत सारे लोग अभी बाहर हैं और अभी जगह कम पड़ेगी, अभी भी पीछे की सीट और पीछे जा सकती हैं। यहाँ की सीटें जो मैं देख रहा हूँ, आप ही लोगों से कह रहा हूँ, पीछे चले जाएंगे आप, पर्दे पर बहुत दिख रहा है आपको। सीटें थोड़ा पीछे सरका ले, बहुत जगह है इधर। चलिए विषय प्रारंभ करते हैं। सारे हिंदुस्तान में द्रव्यानियों का अध्यात्म का विरोध ये कह करके भी होता है, इनसे फायदा क्या है, सुनो बस। अब केवल आज की चर्चा अब समापन की ओर है। आध्यात्मिक सिद्धांतों की चर्चा होने के बाद
अब मैं ये बताना चाहता हूं कि इन सिद्धांतों की चर्चा करने से लाभ क्या है। एक द्रव दूसरे द्रव का कर्ता नहीं है, ये फालतू बातें हैं। इन चर्चाओं से फायदा क्या है? द्रव गुण पर्याय की स्वतंत्रता, भगवान आत्मा, आत्मा परमात्मा बन सकता है, आत्मा घर गृहस्थी में रहते हुए भी पुरुषार्थ कर सकता है, सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए, जरूर प्रकट करना चाहिए, इन सब बातों से लाभ क्या है? जब हम ये देखते हैं कि मैं मनुष्य हूं, एक सामाजिक प्राणी हूं, हमारे लिए तो तीन चीजें चाहिए, रोटी कपड़ा और मकान, तीन चीजों की व्यवस्था हो जाए, समाज में प्रतिष्ठा बन जाए, हो गई बात खत्म। आखिरकार इन चर्चाओं से, इन शिविरों की चर्चाओं से लाभ क्या है? काय के लिए आपने 2 करोड़ रुपए खर्च कर दिए? भोपाल में जब हमने शिविर लगाया था तो उस समय भी एक बात मेरे पास आई थी कि इतना पैसा आप शिविर लगाते हैं और खर्चा कर देते हैं, इसमें हम कितने बच्चों को स्कॉलरशिप दे सकते हैं, हम कितने लोगों की चिकित्सा करा सकते हैं, हॉस्पिटल खुलवा सकते हैं, ऐसा वैसा तमाम। तब मैंने उस मंच से एक बात कही थी कि आप कितने ही हॉस्पिटल खोल दो लेकिन मरण से नहीं बचा पाओगे, कितने ही हॉस्पिटल खोल दो लेकिन मनुष्यों की बीमारियों का अंत कभी नहीं आएगा, लेकिन हम ऐसा शिविर लगा रहे हैं कि जिसमें बीमारियों का भी अंत आएगा और जीवन मरण का भी अंत आएगा। बोलो हमारा शिविर लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? मैंने कहा कि आप कितने ही बच्चों को पढ़ा दो, कितने ही पढ़ा दो, लेकिन वे बच्चे दुखी रहते हैं और उनके माता पिता दुखी रहते हैं और समाज में अत्याचार, अनाचार, भ्रष्टाचार, शिथिलाचार, ये दुखता ही नहीं है। लेकिन हमारे शिविर में आने वाले बच्चे, तो क्या कहूं, इन बच्चों को मुनियों जैसा उपसर्ग आता है। मुनियों जैसा उपसर्ग मैंने ज्यादा नहीं खेस्तान समझना, ये बच्चे यहाँ से आलू छोड़कर जाएंगे, रात्रि भोजन छोड़कर जाएंगे, बाजार का पिज्जा छोड़कर जाएंगे, नूडल छोड़कर जाएंगे, तो सारी समाज वाले ये कहेंगे, हे इतना छोटा अभी से छोड़ दिया, बहुत धर्मात्मा है, इतने आगे बढ़ गया और पंडित हो गया। माने हमारे बच्चे, मैं सच कहता हूँ, हमारी पाठशाला खनियादाना की चलती थी, विद्यालय चलता है, वहां पर एक बच्चा है मुझे बहुत अच्छे से याद आता है, वो कक्षा 5 में पढ़ता था और वह टीकमगढ़ शादी में गया, शादी में तो जैसे पंगत होती, पंगत तो समझते ना, बैठ करके भोजन, तो वो भी बैठ गया। अब सब बड़े बड़े आदमी समाज के टीकमगढ़ के, और वो बच्चा बीच में बैठा भोजन करने के लिए, ऐसे लाइन में पापड़ लेकर आए, पापड़ कितने दिन के हैं? अब सारे के सारे पापड़ खा रहे, आलू की सब्जी खा रहे, और जैसे आलू आए, हैं जैन कहीं आलू खाते? अचार आया तो कितने दिन का है? आप सही मायना टीकमगढ़ की सारी समाज जो बैठी थी और दांतों तले उंगली दबा रही थी, भैया जरूर जो सोनगढ़ को मोड़ा है। ये पाठशाला की बच्चों का कमाल है, ये पाठशाला में पढ़े हुए बच्चे। मैं एक बात कहता हूं, अभी 31 तारीख को तंबाकू का निषेध दिवस था, गवर्नमेंट ने अरबों रुपए खर्च करा, एक आदमी की तंबाकू नहीं छुड़ा पाती, और मैं देखता हूं कि इस शिविर से लौटने वालों में से कितने लोगों की तंबाकू छूट जाएगी, कितनी सिगरेट छूट जाएगी, रात्रि भोजन छूट जाएगा, सप्त व्यसन छूट जाएगा। मैं सच कहता हूं, यदि गवर्नमेंट गवर्नमेंट के खर्चे से पूरे विश्व में हमारे शिविर लगा दे तो उनके अरबों खरबों के बिल 1000 रुपए बचेंगे, लाखों रुपए बचेंगे। बस मैं आपको सच कहता हूं, मैं इसकी ज्यादा व्याख्या नहीं करना चाहता, मैंने कॉलेज में इस पर लेक्चर दिया है, कॉलेज में, आपको पता है पूरे विश्व का रोजगार अपराधियों से चलता है। यदि अपराधी खत्म हो जाए, शराब पीना बिकना खत्म हो जाए, सिगरेट खत्म हो जाए, तो भाई साहब 90% लोग बेरोजगार हो जाएंगे इंडिया में। इसलिए गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट है कि ऊपर से तो कहो कि शराब नहीं पीना, सिगरेट तंबाकू का दिवस है आज 365 दिन में, आज कभी नहीं पीना, सबसे ज्यादा लोग मरते हैं, कहना ऐसा, लेकिन क्या बताएं आपको, गवर्नमेंट की सोच ऐसी जो मैं आपको बता रहा हूं। मैं इस पर बहुत लंबा व्याख्यान नहीं देना चाहता, मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे शिविर का फायदा क्या है। मैं प्योर अध्यात्म विषय पर आ रहा हूं,
एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता, क्योंकि अत्यंता भाव है। अन्योन्या भाव होने से दो पुद्गल परमाणुओं की वर्तमान पर्याय में कोई काम नहीं कर सकता। प्राग भाव प्रध्वंस भाव होने से वर्तमान पर्याय पिछली पर्याय में कुछ नहीं कर सकती, और वर्तमान पर्याय भविष्य की पर्याय में कुछ नहीं कर सकती। ये चार सिद्धांत हमने अभी सीख लिए हैं। अभी मैं समापन की ओर बढ़ता हूं। देखो, गजब बात यह है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता, इसकी सबसे ज्यादा मजाक उड़ाई गई। क्यों? कि हम एक थप्पड़ मारेंगे तो बोलो हमने तुम्हें थप्पड़ मारा कि नहीं मारा, बोलो हम रोटी खाते हैं तो पेट भरता है कि नहीं, ऐसी ऐसी तमाम बातें। पंडित जी बहुत कह रहे हैं आत्मा रोटी नहीं खाती, जब जाने पंडित जी को कल रोटी मत खिलाओ तब मालूम पड़ जाएगा। मैंने ऐसा भी लोगों ने कहा, तो मैं अभी आपको समझाता हूं कि जिनवाणी में लिखा है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता। अभी तक मैंने निश्चय से समझाया था, आज मैं आपको थोड़ी देर व्यवहार से समझाऊंगा। अभी तक कैसे समझाया था आपको? निश्चय से। अब क्या समझाने वाला हूं? व्यवहार से। सुनो स्वामी जी के प्रवचन गौर से पढ़ना भैया। एक द्रव्य सचमुच दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता। इसका सबसे सरल दृष्टांत दूं कि इस शिविर में लगभग हमारे 125 विद्वान पधारे हैं, और कमाल की बात है कि ये विद्वान आने जाने का टिकट तक हम जबरदस्ती दें तो लेते हैं, नहीं तो वो भी नहीं लेते। मैं सच कहूं प्रत्येक विद्वान ने इस शिविर में अपनी जेब से पैसा डाला है। अब सारे हिंदुस्तान को भरोसा नहीं हो सकता कि एक तो पंडित ऊपर से दान दे, एक तो पंडित और 18 दिन अपनी दुकान बंद करके आए। जो मेरठ वाला पूरा मंडल 18 दिन अपना दुकान बंद करके 24 घंटा यहाँ भोजनशाला कर रहे, करके से रहे, जरूर इन्हें सोनगढ़ से जरूर मिलते होंगे। बिना पैसा के बनिया सरके नहीं। मैंने सारे हिंदुस्तान की यह गलत फहमी है कि सोनगढ़ से पैसा आता है। मैंने गुरुदेव श्री के जीवन चरित्र में इसको बहुत विस्तार से कैलकुलेशन करके समझाया है कि इतना पैसा तो सोनगढ़ में नहीं हो सकता कि प्रत्येक आदमी को 10-10 25-25 हजार दे दिया जाए। कैसे दिया जाए ये मैंने कैलकुलेशन करके समझाया, आप भी सोचना जरा। मैं तो दूसरी बात कहता हूं कि स्वामी जी ने रत्नकरण साहब का आचार्य जी के आधार से ग्रंथ का नाम रत्नकरण साहब का आचार्य जी के आधार से उत्तम त्याग के प्रकरण में एक बात कही, और वो इतनी हाईलाइट हुई, और उस पंक्ति का नाम है समय सार जी में एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता, और रत्नकरण साहब का आचार्य जी में लिखा है कि ज्ञान दान को फल केवल ज्ञान होए है। केवल ज्ञान होए का मतलब 125 विद्वान फ्री में प्रवचन नहीं कर रहे, केवल ज्ञान लेने के लिए शिविर में आए हैं और ज्ञान दान करके केवल ज्ञान लेंगे। अब बोलो भैया केवल ज्ञान सस्ता है कि महंगा है? अब बोला बोलो शिविर में आना सस्ता है कि महंगा है? अरे भाई साहब हम करोड़ों रुपए लगा करके भी केवल ज्ञान नहीं पा सकते, और मात्र ज्ञान दान और ज्ञान दान की अनुमोदना और शिविर की अनुमोदना करके हम सब केवल ज्ञान का बॉन्ड भर रहे हैं। एक कर्मों की फिलॉसफी है, कर्म की फिलॉसफी है। मैं पूरा खुलासा करके समझा सकता हूं आपको। इसलिए दो चीजें बची ऑप्शन में हमारे विद्वानों के पास, जयपुर और सोनगढ़ के विद्वानों के पास दो ऑप्शन बचे कि एक तरफ 10,000, 25,000, 50,000 और एक तरफ केवल ज्ञान। बोलो क्या चाहिए? बस खत्म हो गई बात, हमें पैसा थोड़ी चाहिए। और गजब बात तो है कि जितना जितना हम दान करते हैं उतना उतना पैसा बढ़ता है, और इसीलिए दुनिया को लगता है कि सोनगढ़ से पैसा आता है। ये तो बेई है जब से जाने लगे इनके पास पैसा बढ़ा है। पैसा कहां से बढ़ा? वो ज्ञान दान का फल, पैसा दान देने का फल। इन लोगों ने पुण्य बांधा कि नहीं बांधा 18 दिन में? और जो सवा साल 15 महीने हो गए लगभग विश्वास नगर वालों के, मैं कहता हूं आप एक काम करना, इन्होंने 15 महीने बहुत मेहनत की है, आप किसी की भी ट्रायल बैलेंस जाके चेक कर लेना, यदि इस साल ही नहीं भविष्य में भी घाटा हो जाए तो बता देना। दुकान नहीं गए, फैक्ट्री नहीं गए, कहीं नहीं गए, अब देख लेना कैसे फायदा होगा। अरे बहुत सिंपल गणित है, कर्णानियोग में लिखा है मंद कसाय का फल में पुण्य होता है, पुण्य के फल में साता का उदय होता है, साता के उदय में बिना कमाए आता है। आता है, अब देख लेना गणित जाके।
इसलिए मैं दो बातें कहता हूं, दान देने वालों को संकोचना नहीं चाहिए। मेरा गणित बहुत सरल है, मैं हर बार सुनाता हूं, मेरा गणित तो ऐसा है कि मैं एक पैसा भी छोड़ के नहीं मरूंगा, नहीं मरूंगा, एक पैसा छोड़ के नहीं मरूंगा। क्यों? सबसे बड़ा बेवकूफ कि छोड़ के मरे। मतलब अपन ने 10 मान लो 1,00,000 रुपए दान दिया, मरते समय 1 करोड़ की संपत्ति छोड़ के मरे तो 99 छोड़ के मरेंगे, 99,00,000 छोड़ेंगे, फर्क क्या पड़ा? लेकिन जो विशुद्धि का फल है, आहा ऐसा शिविर, अहो बच्चों को देखो, अरे बच्ची बच्चियों को देखो, युवाओं को देखो, आज सारी दुनिया आलोचना में शक्ति लगाती है, आजकल के बच्चे बिगड़ रहे, आजकल की बहुएं बिगड़ रही, आजकल की लड़कियां बिगड़ रही, और देखो देखो देखो, हम आलोचना में समय नहीं लगाते, हम उन बच्चों को उनकी भगवान आत्मा की याद दिलाकर उन्हें गौरव बताते हैं जैन समाज का, जैन शासन का, जैन धर्म का, ताकि वे बच्चे गौरवान्वित हो जाएं और पापाचार से दूर हो जाएं। बताओ तो ये फायदा हुआ कि नहीं हुआ? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता, ज्ञान दान का फल केवल ज्ञान है। आपको पता है पाश्चात्य अमेरिका आदि के देश, इन्हें अपने माता पिता की भक्ति नहीं आती, ये अपने माता पिता की समाधि नहीं कराते, श्रवण कुमार की तरह तीर्थ यात्रा नहीं कराते, और हमारे भारत जैसी समाधियां देखने को नहीं मिलती। परिणाम ये निकलता है कि उनके बच्चे भी उनकी समाधि नहीं कराते, वे भी उसी त्रासदी में रहते हैं। करोड़ों अरबों डॉलर तो है बैंक में, अरबों की फैक्ट्री हो सकती है, लेकिन घर में 60-70-80 साल के आदमियों को जाके देखो आप। आज भारत में भी वो दुखद दिन आने लगे जब हम कहते हैं ओल्ड एज होम, वृद्धाश्रम। क्यों? विदेशों में अपने बच्चों को नहीं पालते, वो चाइल्ड होम में पहुंचा देते हैं, और बच्चे अपने माँ बाप को नहीं पालते तो ओल्ड एज होम में पहुंचा देते हैं। लेकिन भारत में ऐसा कभी नहीं होता था, और जैन समाज में अभी तक ऐसा करने की जरूरत नहीं पड़ती, और एक भी मुमुक्षु को इसकी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। क्या? हम अपने बच्चों से, अपने बुजुर्गों की विनय करते हैं और बच्चों को बात्सल्य देते हैं, बड़ों की विनय करके उनकी समाधि कराते हैं, भैया वृत्ति करते हैं, और हमारा बच्चा देखता है, और जब बच्चा देखता है तो जब हम बीमार होते हैं तो वो बच्चा खड़ा होता है। मैं तो सच कहता हूं, विश्वास नगर राम गली के मंदिर के ठीक सामने, हमारे उस मंदिर के अध्यक्ष थे कौन थे, वो यहां तक पूरी बॉडी डेड, हाथ नहीं हिला सकते थे, कुछ नहीं कर सकते, केवल चेहरा बस इतना, उससे भी वो बोल नहीं सकते थे। मैं समझता हूं उस जॉइंट परिवार में उस बहू को बुला करके धन्यवाद ही नहीं देना चाहिए। पूरे हिंदुस्तान में मुझे पहली ऐसी बहू मिली, ऐसी बहू जिसने ससुर की इतनी सेवा की, इतनी सेवा की कि सारा समाज उस बात को जानता है। क्यों? जो धर्म में प्रवृत्ति करते हैं, धर्म में रुचि रखते हैं, उन जीवों को कभी तकलीफ नहीं होती, और ये करना चाहिए। क्यों? हम समाधि कराते तो हमारी समाधि होती है। ए, तुम दूसरों की समाधि नहीं करा रहे, माता पिता की समाधि नहीं करा रहे, दिखता तो है कि उनकी समाधि करा रहे, लेकिन सही बात तो है कि उनकी समाधि कराने वालों की स्वयं की समाधि होती है। ग्रंथ में लिखा है भैया, आहार दान का फल ये नहीं है कि तुम्हें भूख लगेगी कोई रोटी देगा, आहार दान का फल है कि तुम्हें अनंत काल भूख नहीं लगेगी, औसत दान का फल ये नहीं है कि तुम कैंसर का इलाज कराओगे तो फिर तुम्हें कभी कैंसर होगा, ये तो वो घाटे का सौदा है, और फिर कोई हमारा इलाज कराएगा, ये नहीं। औषधि ध्यान देने का फल है कि फिर कभी बीमारियां नहीं होंगी। आप समझो, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के लिए कुछ नहीं करता। हम जो ये सब शिविर लगा रहे हैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर रहे, अपने लिए कर रहे हैं, और आप भी जी भर के अनुमोदन ना करो, मोक्ष महल में हम सब मिलेंगे, क्या करे यार। ठीक है, अब तो समझ में आ गई भैया। एक द्रव्य बोलो, एक बच्चे को यदि मैं नहीं कहूं ना तो आप थोड़ी देर के लिए क्यों, कितनी शैतानी करे, उठ भाग यहां से, कौन का लड़का है जी, यानी से दिमाग खराब कर रहे। देखो अब आप सब, मैं बुरा लग रहा हूं कि वो बच्चा बुरा लग रहा है, पंडित जी कितने खराब हैं, भरे मंच पे बच्चे को डांट दिया, कितनी जोर से डांट, देखो सन्नाटा खिंच गया,
सबको ऐसा लग रहा पंडित जी सही में किसी को डांट दिया। मैंने डांटा नहीं है, यदि सही में डांट दूं सही में और बच्चा उठ के रोता हुए चला जाए तो सही बताना मैंने बच्चे की इंसल्ट की या आप सबकी नजरों में मैं गिरा। आप दूसरों की निंदा करते हो, बुराइयां करते हो, जेलेसी करते हो, उस समय आप उसकी बुराई नहीं करते, आप सबकी नजरों में अपने आप को गिरा दे। मैंने तो दृष्टांत दिया था ना। सुनो, मैं बच्चों को प्यार करता हूं, फोकट में नहीं करता हूं, मैं बच्चों को प्यार करता हूं तो उन सबके घर वालों का प्रेम मुझे मिलता है। मैं जिस घर में भी पहुंच जाता हूं, पंडित जी आपका आहार, पंडित जी आपका दूध, पंडित जी थोड़ी सी बादाम, पंडित जी मैं बताऊं, मैं साल भर में 250 ग्राम बादाम भी नहीं खाता और 25 किलो बादाम आती है। अब तो बच्चों को प्यार करने के बदले में इतना फायदा अपने आप होता है। मेरा मतलब है कहने का निकलता है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के लिए व्यवहार से भी, अब कितने दृष्टांत देने की जरूरत है आप बताओ। आप इसका मतलब ये निकला निष्कर्ष, आप कभी दूसरों का बुरा मत सोचो, निंदा मत करो, क्रिटिसाइज मत करो, बेफिजूल के चक्करों में मत पड़ो, क्योंकि जितना समय आप उधर खो रहे हो उतनी देर में आपका लॉस है। और सुनो, गुणेशु प्रमोदम, गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे, बने जहां तक उनकी सेवा करके यह मन सुख पावे। अब बोलो, समझ में आ गई नहीं बात? अब तो अब आप चाहो तो मैंने सब कुछ समझा दिया, आप कभी गलत चक्करों में मत पड़ो। मैं सच कहूं आपको, एक अंतिम बात और कहता हूं, अंतिम इस चर्चा को मैं विराम दूंगा, थोड़ा पॉइंट बदल दूंगा। हॉस्टल में हमारे बच्चे पढ़ने आते हैं और लगभग चोरी शुरू हो जाती है, स्टार्टिंग में चोरी होती है, तो उन बच्चों को मैं समझाता हूं, बेटे एक काम करो, तुम फोन लगाओ अपने घर पर, बेटे विश्व में अन्याय कभी नहीं होता, तुम यहाँ एक पैसा, 5 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया, एक लड्डू, एक मिठाई, जरा पेन मात्र इतना चोरी करते हो, आपको पता है बेटे अन्याय नहीं होता, आप 5 रुपए की चोरी करते हो और मैं इंटरेस्ट के मल्टीपल होकर के, आप घर में पूछो कोई बीमार हो गया तो 500 रुपए की दवाई लग गई, आप जरा कुछ चुराते हो रिश्वतखोर भ्रष्टाचारी में आपको कैंसर हो गया, करोड़ रुपए चला गया। आप बिल्कुल पक्का मान के चलो नंबर दो का काम करने वाले बेईमान भ्रष्टाचार, मैं आपको क्या कहूं, इनको सम्यक दर्शन होना दुर्लभ हो जाता है, दुर्लभ क्या हो जाता है, असंभव हो जाता है। क्यों? आप देख लेना, वो प्रवचन में आ सकते हैं, सुन भी सकते हैं, समझ नहीं सकते, समझ भी जाए तो विशुद्धि नहीं बढ़ती, अंतर्मुख नहीं हो पाते। मैं फिर पूछता हूं, हम भ्रष्टाचार बेईमानी मिलावट करके दूसरों को हैरान करते हैं या सम्यक दर्शन से अपने को वंचित करते हैं? आप सोचो, रात्रि भोजन करके हम अपने को सम्यक दर्शन से वंचित करते हैं, अय्याशी नहीं करते, शरीर का मजा नहीं करते, शरीर कभी नहीं कहता कि हमें रात्रि में भोजन दो, आप दिन में भोजन दे दो, शरीर को कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन शरीर को रात्रि भोजन देकर के आप अपनी आत्मा को सम्यक दर्शन से वंचित करते हो। मैं कितने एग्जाम्पल दे सकता हूं आपको, बोलो। मैं बच्चों को समझाता हूं, बेटे पूछ लो, तुम्हारे बिजनेस में घाटा हो गया होगा, हो जाता है, फिर समझो, कर्णानुयोग में विश्वास है आपका, कर्म फिलोसफी में विश्वास है, जैसा कर्म करेगा वैसा फल आएगा, ये विश्वास है। मैं सच कहता हूं, आप रूखी रोटी खाना, एक पैसा दान मत करना, आप अनंत गुना पुण्य बांधोगे। बेईमानी का पैसा इकट्ठा कर लिया हो, करोड़ रुपया दान दे दो, आपको सम्यक दर्शन भी दुर्लभ होगा। बहुत कड़क बात कह रहे हो, बहुत कड़क बात। फिर पंडित जी शिविर कैसे चलेंगे? सुनो, शिविर हम जंगल में चला लेंगे, फुटपाथ पे बैठकर चला लेंगे, लेकिन अन्याय, अनीति, अवक्ष का नुकसान तुम्हारा है, तुम्हारी आत्मा को लॉस है, ये हम नहीं देख सकते। और सही बात बताएं, जैन शासन की शोभा न्याय नीति में कमी नहीं पड़ती, और जैन शासन का शिविर, जैन शासन की सेवा, प्रभावना, इसमें कभी कमी नहीं आती। अरे हम तुम प्रभावना नहीं करेंगे तो ऊपर से आकर इंद्र प्रभावना करेगा, लेकिन पवित्रता से प्रभावना होगी। ध्यान रखना, मैंने आपको आपके आत्मा के हित के लिए ये बात समझाई है, और कहां से समझाई है? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का
कुछ नहीं कर सकता। इसके हजारों दृष्टांत हैं, प्रयोग प्रैक्टिकल प्रयोग आप करना, मैं इससे आगे बढ़ना चाहता हूं। देखो स्वाध्याय करने का लाभ बताता हूं, एक द्रव्य दूसरे द्रव का बुरा नहीं करता। ऐसा निर्णय करने वाले को जब बुरा करने वाला नहीं दिखता तो द्वेष उत्पन्न नहीं होता, द्वेष उत्पन्न नहीं होता तो एक प्लानिंग चलती है, प्लानिंग द्वेष में, इसका बुरा करूंगा, इसका बिजनेस मिट जाए, हे भगवान इसके बच्चे ऐसा हो जाए, मैंने समझ गया ना, बुरा बुरा प्लान बनाते हैं, कभी उसका अहित हो जाए तो खुश होते हैं, कितना अहित हुआ आपका, आपका कितना अहित हुआ। लेकिन जिसने तत्व निर्णय कर लिया कि कोई संसार में मेरा बुरा करने में समर्थन नहीं, वे पारसनाथ बन जाते हैं, समता रख करके मोक्ष में चले जाते हैं। उपसर्ग करने वाला दस दस भव तक उपसर्ग करके हार जाता है, लेकिन समता धरने वाले नहीं हारते और आज अनंत काल के लिए सिद्धालय हो गया। पॉइंट पकड़ में आया कुछ, कोई मेरा बुरा नहीं कर सकता और कोई मेरा भला नहीं कर सकता तो राग खड़ा नहीं होता, विश्व में कोई मेरा भला नहीं कर सकता तो अंत में अनंत भगवान भी मेरा भला नहीं कर सकते, तो इतनी वितरागता चरम सीमा की होती है कि उनके प्रति भी राग टूट जाता है, टूट जाता है। ओ भगवान की पूजा पाठ छोड़ देता है, नहीं कह रहा हूं भगवान की पूजा पाठ सत्संगति छोड़ देता है, नहीं कह रहा हूं, टूट जाता है। अर्थात इतनी चरम कोटि की वितरागता आती है, मुनिराजों को समोसरण में जाने की जरूरत नहीं पड़ती, जाएं तो मना नहीं है लेकिन नहीं जाएं तो उन्हें कोई अपराध नहीं है, पाप नहीं लगता। दिगंबर मुनिराज मंदिर में आके पूजा नहीं करते, प्रक्षाल नहीं करते, वे कुछ नहीं करते, मंदिर निर्माण नहीं कराते, तो भी अनंत गुणी विशुद्धि अनंत गुणी संबल निजराव मोक्ष प्रकट होता है। क्यों? क्योंकि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता, ये जानने पर देशदास गुरु भी मेरा भला नहीं कर सकते, इसलिए राग टूट जाता है। पॉइंट पकड़ना जरा, और द्वेष, गाली देने वाले के प्रति द्वेष नहीं होता, उपसर्ग करने वालों के प्रति द्वेष नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि कोई मेरा बुरा कर नहीं सकता। ये तो सबको समझ में आती होगी जैन समाज में, क्यों? अपने ही कर्म के उदय में अपना संयोग वियोग बनता है, कोई कर सकता? आप एक काम करो, स्वाध्याय करने वाले व्यक्ति की शांति देखो, और जो स्वाध्याय नहीं करते मार्केट में जाके देखो, 90% लोग मार्केट में एक ही बात करते हैं, पता नहीं भैया इस बार बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा, मैं जानता हूं मेरे दुकान पर टोटका किसने किया है, एक दिन हम आए थे तो चूड़ी पड़ी थी, सिंदूर पड़ा था, कोई मंत्र फूंक करके लौंग रख गया, उसी दिन से दुकान नहीं चल रही। आप जा करके देखो, घर घर में यही चर्चा, उनकी हाय लग गई, उनकी नजर लग गई, क्या क्या कर रहे हो? हम कह रहे हैं कोई तुम्हारा बुरा कर सकता नहीं, और नहीं तो एक काम करो, पूरे वर्ल्ड को चैलेंज करता हूं, एक आध मुट्ठी मेरे ऊपर छोड़ दे, एक आध हाय हमारे ऊपर छोड़ दे, छोड़ो छोड़ो कूड़े का टोटका हमारे ऊपर छोड़ दे। पंडित जी कहीं कोई ने छोड़ दिया तो, छोड़ दिया तो, अभी कह रहे थे ना बच्चा, मैं उस महावीर की संतान हूं कायर की नहीं। ये है हमारे सिद्धांत की ताकत, ये सिद्धांत की ताकत है कि कोई हमारा व्यंतर भूत पिशाच हमारा बुरा नहीं कर सकता। मैं खतौली गया था, बहुत साल हो गए, 25 साल हो गए प्रवचन करने जब गया था, तो वहां पर एक जिनके घर ठहरा था तो उन्होंने अकेले में मेरे पास आके कहा, पंडित जी कोई मंत्र दे दो। मैंने काय का मंत्र चाहिए? बोला, बोले शांति का मंत्र, हमारे घर में सब कुछ है बस चैन नहीं है, सब है, मतलब पैसे वाली पार्टी थी और चैन नहीं थी, तो आप कोई मंत्र दे दो। तो मैं दे दूं मंत्र? बोले दे दो कि आज से अन्याय अनीति मिलावट भ्रष्टाचार बेईमानी रिश्वतखोरी और क्या कहलाता है वो, इनकम टैक्स की चोरी, सब बंद कर दो, शांति आ जाएगी। तो एकदम बोले, पंडित जी वो ही तो बंद नहीं करना, आप तो ऐसा मंत्र बताओ कि ये सब चीजें रह जाएं, और ओम रीम शांतिम कुरुम कुरुम। मैंने कहा बेटा पोपा भाई नो राज नथी, ऐसा नहीं चलता कि तुम दूध में जहर डाल के पीते जाओ और फिर महावीर भगवान को बदनाम करो,
ऐसा विश्व में कोई मंत्र नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। विश्व में जैन धर्म में तो नहीं है, लेकिन अन्य दर्शनों में भी नहीं है। लेकिन निर्मल बाबा जैसे बहुत मिल सकती है ठगने के लिए, बाकी काम आसाराम कर सकते हैं, हम तो नहीं कर सकते, हमारे जैन शासन में नहीं हो सकता। मैंने आप अखबार पढ़ के देखो, ठगी विद्या के नाम पर कितनी परेशानियां हैं। मैं फिर कह रहा हूं भैया, स्वाध्याय करने वालों को काल सर्प नहीं सताता, नव क्या होती नव नवग्रह नहीं सताता, और बोल दो जरा कुछ कुछ क्या क्या होता तुम्हारे दिल्ली साइड। इसीलिए भैया मैं दूसरा शिविर भी मेरठ में लगवाना चाहता हूँ, बिल्कुल पक्का हो जाए इधर आसपास। इतनी गंगा बहनी चाहिए कि लोगों को मिर्ची और नींबू टांगने में भारी लगने लगे। क्या कमाल हो गया, नींबू मिर्ची कमाई कराएगा, क्या कमाल हो गया। एक काम करो, विश्व के सबसे गंदे वास्तु ग्रह में मुझे ठहरा दो, ठहराओ, क्या दिक्कत है। लेकिन वही वाली बात है, स्वाध्याय नहीं करने पर भाई साहब मकान का डिजाइन कभी भी किसी के कर्म के उदय का कारण नहीं है। और मैं पूरे वर्ल्ड को चैलेंज करके समझाता हूं, और आप कहो तो मैं बिल्कुल वर्ल्ड के सामने खड़े होकर लेक्चर देने तैयार हूं। आपको पता है मैं कितने एग्जाम्पल दे सकता हूं, मेरे पास सारी रिपोर्ट है। मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह की सरकार थी, नया संसद भवन, नया पार्लियामेंट, वो क्या कहलाता है, वो विधानसभा भवन में चले गए थे, तो वहां के वास्तुकारों ने कहा था कि इसका वास्तु सही नहीं है, और इसलिए दिग्विजय सिंह की सरकार कांग्रेस की सरकार नहीं बनेगी। तो उन्होंने पूछा क्या करें, तो जहां बगीचा था वहां पर एक पुल बनवाया गया पानी का, और जहां पर पानी का पुल था उसे भरकर बगीचा बनवाया उन्होंने। आगे का मेन गेट बहुत अच्छा था, उसे बंद करवा दिया, पीछे के गेट से एंट्री कराने लगे, सब कुछ करके 70-80 लाख रुपए से ऊपर खर्च हुए उस जमाने में, 15 साल पहले। सब सुधार हो गए जितना वास्तुकारों ने कहा था। और उसी समय राजस्थान में भी कांग्रेस की सरकार थी, जिस समय सब लोग चुनाव का प्रचार कर रहे थे उस समय वे कांग्रेस के ऑफिस की खिड़कियां बदल रहे थे वास्तुकारों की अनुसार। और आपको अच्छी तरह से मालूम, मुझे पूरी रिपोर्ट है, आप पढ़ लेना और सुन लेना अच्छी तरह से। और दोनों जगह पूरा वास्तु परिवर्तन करने के बाद भी दोनों तरफ से सरकार गिरी और गिर गई। क्यों भैया, क्या हुआ? मैं इसलिए कहता हूं ये धोखा है, मैं गरज के इसलिए कह रहा हूं ये धोखा है। अरे हम महावीर भगवान की संतान हैं, मैं फिर कह रहा हूं आप चाहे जैसे मकान में रहो लेकिन न्याय नीति से रहो, त्याग बैराग से रहो, संयम से रहो, देव सासगुरु की भक्ति में रहो, सत्संग में रहो, और आप दुखी हो जाओ तो मेरे सामने आना। ये बात मैं एक दिन कह चुका हूं, जिस दिन तूफान चला था उस दिन कहा था स्वाध्याय करने वालों को पाप का उदय नहीं आता, मैंने सिद्ध किया था और आज भी सिद्ध करूंगा, अभी भी सिद्ध करूंगा। स्वाध्याय करने वालों को अब करना नहीं, पढ़ाऊं थोड़ी देर, एक दो चार दिन की बात और है भैया, लेट नाइट हो जाए तो डरना मत, बोलो नहीं तो छोड़ दूं, जल्दी जल्दी पढ़ाऊंगा, कोशिश करता हूं आपके जल्दी से जल्दी वैसे पूरा हो जाए। स्वाध्याय करने वालों के लिए करना नियोग में लिखा है, क्यों लिखा है, कैसे लिखा है, मैं पूरा समझाऊंगा। आज समय कम है इसलिए बड़ा विषय नहीं लेके छोटा विषय लेता हूं। करना नियोग में लिखा है, जो जीव सत्संग में लगते हैं, स्वाध्याय करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, भेद विज्ञान करते हैं, तत्व निर्णय करते हैं, उन जीवों का रुक गया, इसे पूरा आप करेंगे। ऐसे पवित्र जीवों का जो देव सास गुरु के सानिध्य में रहते हैं, ऐसे जीवों का भेद विज्ञान करने वाले जीवों को क्या फायदा होता है? फायदा नंबर वन, मैं नहीं बताता हूं, आपको बताना है, मैं तो सिद्धांत बता रहा हूं आपको, एक बहुत सुंदर सूचना दे रहा हूं करना नियोग की। सभी को ऐसा लगता है हम जितने कर्म बांधते हैं उतने ही भोगते होंगे, जैसे कर्म बांधते वैसे ही भोगते होंगे, हमने बहुत सारी पाप किए हैं तो वैसे ही भोगने पड़ेंगे, ठीक है ना, यही तो लगता है सबको कि हमने जो कर्म बांधे वो भोगना पड़ेंगे, पक्की बात है ना, और जैसे बांधे हैं वैसे ही भोगने पड़ेंगे, सबको लगता है। सुनो, ये बात गलत है, हम कितने ही कर्म बांध लें लेकिन यदि हमें सच्ची समझ हो जाए तत्व ज्ञान की,
तो हम उसका असंख्यात भाग भोगते हैं। कुछ जल्दी कह गए हम, जल्दी फिर से बोलता हूं, फिर से कैलकुलेशन में मत पढ़ना, असंख्यात और ये मत पढ़ना, वैसे बहुत कम भोगते हैं। मैं बताता हूं, मैं समझाऊंगा जरा, आप कितने ही कर्म बांध लो अज्ञान दशा में, लेकिन ज्ञान दशा में आते से ही उसमें एक कैलकुलेशन होता है, इसका नाम है अपकर्षण, अंग्रेजी में कहते हैं डिक्रीमेंट, अपकर्षण हो जाता है। कैसे हो जाता है मैं समझाऊंगा अभी आपको। और जो अज्ञान दशा में होते हैं वे उसका उत्कर्षण कर लेते हैं, उसका नाम है इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, उत्कर्षण और अपकर्षण, बराबर समझेंगे सभी बच्चे, ध्यान से सुनना, बहुत सरल गणित बता रहा हूं आपको। उत्कर्षण अपकर्षण क्या होता है कि हमने जो कर्म बांधे हैं उनका होता है स्थिति, उनका क्या होता है स्थिति और अनुभाग, अनुभाग माने उनकी दुख देने की शक्ति, अनुभाग माने दुख देने की शक्ति, माने जितना दुख हो, मैं स्थिति और अनुभाग, क्या बोला मैंने जोर से बोलो, कर्मों की स्थिति और कर्मों की स्थिति और कठिन तो नहीं लग रहा, एक दृष्टांत तो समझेंगे स्थिति और अनुभाग, कि मम्मी ने बच्चे को एक थप्पड़ मारा, जम के मारा, 15 मिनट तक जलन हुई, 15 मिनट स्थिति है और जलन अनुभाग है, समझ में आ गया, स्थिति और अनुभाग। टीचर ने एक घूसा मारा पीठ में और 4 दिन तक दर्द रहा पीठ में, टीचर ने इतने जम के मारा तो 4 दिन तक क्या हुआ स्थिति पीरियड, और दर्द बना रहा वो अनुभाग। अब तो समझ में आया, अब जितना आपने इस कर्मों को बांधा है पूरा का पूरा कोई भी जीव नहीं भोगता, वर्ल्ड का कोई भी जीव नहीं भोगता। तो पंडित जी क्या होता है कि अज्ञानी लोग जितने कर्म बांधते हैं उसे बढ़ाकर भोगते हैं और ज्ञानी लोग जितने कर्म बांधते हैं उसे घटा के भोगते हैं। पॉइंट नोट किया जाए मी लॉर्ड, स्वाध्याय करने वालों को नगद फायदा, नगद फायदा, क्या फायदा कि स्वाध्याय करने वालों के जीवन में जो मंदकसाएं आती है, समता आती है, भक्ति आती है, वैराग्य आता है, त्याग आता है, आत्मा की अनुभूति आती है, नियम 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 70 कोड़ा कोड़ी घट करके अंत कोड़ा कोड़ी रह जाती है। अज्ञानी, अज्ञानी इतना सा पाप करता है और फल इतना बड़ा भोगता है, अज्ञानी कर्म इतना सा बांधता है, पाप बंद इतना सा करता है, उपभोगता इतना बड़ा है। पंडित जी ये तो बड़ी बेईमानी है, बेचारे ने इतना सा पाप बांधा और भोग रहा है ज्यादा, ऐसा तो आपके मुंह से शोभा नहीं देता। और मैं नहीं समझता कि महावीर भगवान ने ऐसा कहा होगा, ये तो तुम पंडितों की जवान है इसलिए आप कह रहे होगे कि नहीं नहीं, मैं लॉजिक से सिद्ध करता हूं, करूं सिद्ध लॉजिक से, बोले भैया सरल दृष्टांत दूंगा, ज्यादा समय है नहीं तुम्हारे पास मेरे पास, मैं पूरा दृष्टांत देकर के समझाता हूं, सुनना सभी लोग ध्यान से। देखो एक छोटा सा प्यारा बच्चा था 3 साल का, और पहले दिन स्कूल गया तो मम्मी ने बड़े उसको संजा के श्रृंगार करके उसकी पॉकेट में 1 रुपए का कॉइन रख करके और उसको स्कूल भेजा, ले बेटा 1 रुपया। बच्चा बड़ा खुश स्कूल गया, बच्चे ही बेचारा 3-4 साल का, उसने नाक साफ करने के लिए रुमाल निकाला तो रुमाल के साथ वो सिक्का भी निकला और गटर में चला गया। बच्चा तो बेचारा जैन है, गटर में तो हाथ डालेगा नहीं 3 साल का, कोई बात नहीं, नीट एंड क्लीन है बिल्कुल। घर आया, मम्मी ने पहले ही दिन पूछा, बहुत अरमान थे, पहले दिन स्कूल गया है तो कुछ खाया होगा, टॉफी खाई होगी, कुछ आइसक्रीम खाई, क्या करा पूछो तो सही। और राजा बेटा 1 रुपए का क्या किया आपने? अभी देखो बच्चा बिल्कुल सरल है, उसके दिमाग में कोई प्लान नहीं है झूठ बोलने का। बच्चे ने बड़े कोमल स्वर में कहा, मम्मी हम ऐसे रुमाल निकाल लेते और रुपया गटल में गिर गया। उसके लिए तो गेम था, खनकता हुआ लुढ़कता हुआ जो सीन होता है ना 1 रुपए का, बड़ा प्यारा होता है, बड़ा खुश हुआ वो। अभी देखो मम्मी को 1 रुपए की कोई वैल्यू नहीं, मेरे ख्याल से 1 रुपए का 1 आठ टमाटर भी आता है कि नहीं आता आजकल, 1 रुपए की 1/4 कप चाय तक नहीं आती ना तो 1 रुपए की वैल्यू तो आपको भी समझ में आ गई होगी।
वो सिक्का गटर में चला गया तो मम्मी को कोई टेंशन नहीं है, लेकिन उसे सिखाने के लिए नकली नकली ऊपर ऊपर से नकली नकली हो ऐसे बोले। हाँ ऐसे कह रहे हैं लाड साहब जैसे बहुत बढ़िया काम किया, एक रुपया नल्ली में गिर गया। तो बच्चा बेचारा पहली बार उसने कमेंट से सुना, तो फिर वो इंटेलिजेंट होते हैं आजकल के बच्चे, तो धीरे से बोला मम्मी एक बात पूछूं। बोलो। आप जब छोटे थे स्कूल गए थे तो आपका रुपया कभी नहीं गिरा? अरे भैया मम्मी को तो हाँ गुस्सा बढ़ेगा कि घटेगा, देखो इतना सा छोकरा चीटी के भी पढ़ निकल रहा है, देखो जवान लड़ाता है, तो आखिर अभी भी गुस्सा असली गुस्सा नहीं आया, लेकिन बुरा तो लगा इंक्रीमेंट। तो अब मम्मी ने कहा जवान लड़ाता है, इतने इतने से बच्चे जवान लड़ाते हैं। बच्चा फिर घबरा गया, कभी नहीं सोचना था कि जवान लड़ाना क्या चीज है। तो उसे फिर धीरे से पूछा मम्मी मैं जवान कहां लड़ा रहा हूं, मैं तो पूछ रहा हूं जैसे आज मैं छोटा हूं ऐसे कभी आप छोटे हो गए, मैं जवान कहां लड़ा रहा हूं, आपकी जवान आपके मुंह में मेरी जवान मेरे मुंह में, लड़ाई की क्या बात है इसमें। अब तो मम्मी का पारा इंक्रीमेंट होना ही चाहिए ना, तो इंक्रीमेंट हो गया। अब उसने कहा अब पैसे ऐसे नहीं डाला, पड़ेगा दो चांटे, बहुत बोलता है। तो बच्चा अभी भी नहीं सोचता था कि एक रुपट्टी में जिसमें एक टमाटर नहीं आता मेरी मम्मी इतना खराब हो सकती है। बड़े विश्वास के साथ उसने धीरे से कहा अच्छा मम्मी मम्मी मान लो एक रुपए में कोई प्राण नहीं ले लोगी। ओ हो हो बस बस अब बोलो भैया हाँ अब क्या होगा बोलो। एक रुपट्टी जैसी छोटी सी घटना में उस बच्चे में समझ लो पांच पड़े। मैं थोड़ी देर के लिए पूछता हूं आप सबको ये घटना सच्ची लग रही है कि झूठी लग रही है? एक मम्मी ने बच्चे को मारा तो गलत मारा कि सही मारा? जिनवाणी माता कहती है कि बिल्कुल सही पिटा, क्योंकि घटना छोटी सी थी लेकिन जवान लड़ाते 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 बाघ का बतंगड़ बन गया, तिल का
हमारा आइसक्रीम खाता है। हजार बार कहा घर में फ्रीज है, आइसक्रीम यही बनाएंगे, बाजार की नहीं खाना चाहिए। मम्मी सॉरी, लेकिन आइसक्रीम नहीं बताता। आप हर